Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन आई हेट माई हस्बैंड कम पर 20 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगू की जेलस बनना बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ था, वो हमेशा ही जेलस रहता है, जिस वजह से हमेशा सिर्फ तंग को भुगतना पड़ता है। तंग इस वजह से जंगू के ऊपर कितनी बार नाराज हुआ था, पर फिर भी जंगू अपनी स्वीट की और बिहेवियर की वजह से हमेशा ही तंग से माफ़ी पा लेता है, और यही जंगू के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात था। उन लोगों के बीच में थोड़ा बहुत फाइट हो जाता है, पर वो फाइट कभी भी लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल भी नहीं टिकता है, और जंगू हमेशा ही तंग के दिल को कैसे ना करके जीत ही लेता है। तंग जो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था, और तंग को बहुत ज़्यादा डाउट था अगर वो प्रेगनेंट हुआ तो फिर वो जंगू को नहीं छोड़ेगा और जंगू को पूरी तरह से मार देगा। उन लोगों की ट्विंस डॉटर की एज अभी तक 1 ईयर भी पूरा नहीं हो पाया है, पर इस जेलस बने की वजह से सब कुछ हो गया है। और तंग इस वजह से नर्वस फील कर रहा था, वो बाथरूम में वेट कर रहा था और वो बार बार अपने मन में प्रे कर रहा था कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि उसे पार्टी के दिन याद था कि तंग सेव नहीं था, और नेक्स्ट डे जंगूक ने भी तंग को मेडिसिन नहीं दिया था बिकॉज वो दोनों ही भूल गया था, और इस वजह से तंग सिर्फ बार बार प्रे कर रहा था कि वो ना हो। अगर वो नहीं होगा तो फिर तंग चार्ज में जाकर बहुत सारे कैंडल्स जलाएगा और उसके साथ बहुत सारे प्रे भी करेगा, पर तंग की आशा पूरी तरह से टूट जाता है जब वो देखते हैं कि 2 डॉट था। तब इसे देखने के बाद तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो गुस्से में किट को अपने हाथ में लेते हुए सीधा बाहर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि आज संडे था और जंगू घर में ही था। फिर तंग जब बाहर जाता है तब वो सीधा नीचे की तरफ जाता है और वो नीचे जाकर देखता है जंगू अपने डॉटर्स के साथ खेल रहा था। तब तंग गुस्से से चिल्ला कर कहते हैं, यू जीवन जंगूक मेरी तरफ देखो। तब जंगूक कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखता है, वो क्यों शाउट कर रहा था, उसे अचानक से क्या हो गया है। जंगूक मॉर्निंग से कोई भी गलती नहीं किया था तो फिर तंग को तो गुस्सा ही नहीं करना चाहिए, और जंगूक कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखकर अपनी पप्पी आइस के साथ कहते हैं, क्या हुआ है बेबी बॉय। तभी तंग गुस्से से आकर जंगूक की हर को टाइटली ग्रैप कर लेता है। तब जंगूक शॉक हो जाता है, जंगूक के दोनों थाइस पर उसकी दोनों डॉटर बैठा हुआ था, और जंगूक अपनी तुरंत हाथ से तंग के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है। तब तंग गुस्से से जंगूक को कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उस जेलस बनी तुम्हारी वजह से सब कुछ हो गया है। तब जंगूक शॉक हो जाता है और शॉक होकर कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी वजह से हुआ है, मैं क्या क्या हूँ। तब तंग जंगूक की हार को छोड़ देता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, अब ये देखो। और ये कहने के बाद उस जंगूक को किट दिखाता है। तब जंगूक शॉक हो जाता है और उसकी रिएक्शन पूरी तरह से शॉक था, और उस सिर्फ बिना पलके छपकाए किट्स की तरफ ही देख रहा था। जंगूक की माउथ पूरी तरह से खुला के खुला रह गया था। तब तंग गुस्से से कहता है, अब बोलो तुम क्या करोगे, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हें कौन इतनी ज़्यादा जलस होने के लिए कहता है, और तुम्हें क्यों जलस होने के बाद मेरे से दिन में ढोना है। तब जंगूक तंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर समझ पाता है कि उसने सच में इस बार गलती कर दिया है, पर फिर भी जंगूक एक बनी स्माइल के साथ कहते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग इन लोगों को भी संभाल लेंगे। तब जंगूक की तरफ तंग गुस्से से देख कर कहते, संभाल लेंगे, अपनी दोनों डॉटर की एज देखे हो, 1 ईयर पूरा भी हुआ है, अभी भी कम से कम 2 मंथ बाकी है, और तुम यहाँ पर कह रहे हो कि संभाल लोगे, तो फिर बेबीज को कौन संभालेगा, तुम संभालोगे, तुम तो अपनी कंपनी में जाकर बिजी रहोगे, तो फिर मैं एक साथ 3 बेबी को कैसे संभालूंगी। तब जंगूक कहते, मैं जल्दी आ जाऊंगी और उसके साथ मैं सर्वेन को भी और भी ज़्यादा रख लूंगी। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम गलती क्या हो, तुम कंपनी में जाना बंद करोगे, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। तब जंगूक थोड़ा सा सोचने लगता है, फिर वो कहते, ओके मैं घर से वर्क करूँगी, अब हैप्पी हो। तब तंग कहते हैं, हम लोग को हॉस्पिटल में जाना है, बेबी की चेकअप भी कराना है। तब जंगूक अपनी बनी स्माइल के साथ कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, रुको मैं मेरे पेरेंट्स को कॉल करती हूँ, वो लोग आकर हमारी बेबी को रख सकता है फुल डे के लिए। तब तंग सिर्फ हूँ कह देता है और तंग ऊपर की तरफ चला जाता है। तब जंगूक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और अपने मन में कहते हैं, थैंक गॉड मैं बच गया हूँ, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं आज मर ही जाऊंगी, उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, मुझे अब सचमुच केयरफुल होना होगा, पर मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी गलती है, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों है, और वो जब भी बाहर जाता है सब लोग उसकी तरफ घूरता है, तो फिर मैं जेलस ना होकर कैसे रह सकती हूँ। और शंकु उसके साथ एक लंबा सांस तोड़ता है, फिर
जंगकुक और तेहोंग जो जंगकुक के पेरेंट्स आने के वेट करता है, वो लोग आने के बाद जंगकुक और तेहोंग हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। और जब हॉस्पिटल में जाता है तब जंगकुक पहले ही से डॉक्टर को बोल दिया था कि वो लोग आने वाला है। तब डॉक्टर जो जंगकुक और तेहोंग को देखकर स्माइल करता है। फिर डॉक्टर तेहोंग को तुरंत बेड पर लेट जाने के लिए कहता है। तब तेहोंग बेड पर लेट जाता है। तब डॉक्टर तेहोंग को कहता है, तुम क्या अपनी शर्ट को थोड़ा सा अब ऊपर उठा सकते हो? तब तेहोंग हाँ कह देता है। और उसके बाद वो सिर्फ अपने टमी को ही शो करता है, बिकॉज उसकी नज़र जंगकुक की तरफ जाता है, जो सिर्फ तेहोंग की टमी की तरफ ही अपनी जिलस बनिया इसके साथ देख रहा था। इसे देखने के बाद तेहोंग गुस्से में कहता, तुम फिर से जिलस फील करो, उसके बाद देखना मैं तुम्हें क्या करती हूँ। तब जंगकुक कहते, मैं जिलस नहीं हूँ, मैं सिर्फ किरुआस हूँ। तब तेहोंग कहते, इसकी पहले भी तुम देखे थे। तब जंगकुक सिर्फ एक नर्वस स्माइल देता है, बिकॉज वो सच में जिलस था। और चुपचाप तेहोंग की टमी की तरफ देखता है, जहाँ पर डॉक्टर अब कुछ क्रीम लगा रहा था। फिर डॉक्टर तेहोंग को स्माइल करते हुए कहते, वाओ बहुत ही अच्छा है। तब ये सुनकर तेहोंग और जंगकुक दोनों ही कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, आप लोग की फिर से ट्विंस बेबी है। तब ये सुनकर जंगकुक और तेहोंग फिर से शॉक हो जाता है। और जंगकुक की मन कर रहा था कि वो अब रूम से भागकर यहाँ से चला जाएगा। तब तेहोंग अपने हाथ मुट्ठी में बदल लिया था और जंगकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, डॉक्टर आर यू श्योर? प्लीज़ आप क्या फिर से चेक कर सकते हैं? आई थिंक ये गलत है। तब डॉक्टर कहते हैं, कैसे गलत हो सकता है? पहले आपने मुझे कॉल करके पहले ही बोल दिए थे कि सब कुछ नॉर्मल है और आपके हस्बैंड ऑलरेडी चेक करके ही आया है अपनी प्रेगनेंसी। तो फिर यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं टू डॉट है और आप पहले भी इसकी बारे में जानते थे, बिकॉज आपकी पहले भी ट्विंस डॉटर था, पर ये बहुत ज़्यादा फर्स्ट हो गया है। तब ये सुनकर तेहोंग अपने काम वॉइस में जंगकुक को कहते हैं, चलो घर में चलते हैं, तुम्हारी तो मैं उसकी बात बताती हूँ। तब जंगकुक नर्वस फील करते हुए कहते हैं, डॉक्टर प्लीज़ इस तरह से मुझे डराना बंद कीजिए, प्लीज़ सिर्फ बोलिए वन बेबी है, आप क्या मुझे मानना चाहते हैं? तब डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, मैं कैसे कह सकती हूँ, बिकॉज प्रूफ आपके सामने है और यहाँ पर आपको खुद को कंट्रोल करना चाहिए था और ये अब आपको ही घर में जाकर संभालना होगा। और डॉक्टर स्माइल करता है। तब जंगकुक को इस बार स्वेट आने लगा था। फिर जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, ओके कोई बात नहीं, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, सिर्फ अब हम लोग को क्या करना होगा वो बोल दीजिए। तब डॉक्टर तेहोंग की स्टमक के ऊपर से जेल को क्लीन कर लेता है। और उसके बाद तेहोंग को कहता है, सिर्फ मिस्टर जियोंग जंगकुक आपको अपने हस्बैंड की थोड़ा सा और देखभाल करना होगा और उसके साथ जो है मैम अब मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन भी दे रही हूँ, आपको उसे जल्दी से बाय करके दिन स्टार्ट करना होगा, बिकॉज आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। तब तेहोंग अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर तेहोंग और जंगकुक जब डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते ही है, तभी तेहोंग जंगकुक की यार के पास इस पर करते हुए कहते हैं, तो फिर जेलस बनी, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? तब जंगकुक नर्वस फील करते हुए कहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो, तुम इस तरह से मुझे डरा क्यों रहे हो? तब तेहोंग फिर से हंसते हुए जंगकुक के कान के पास कहता है, मैं क्या इस जेलस बने की प्राइवेट पार्ट को काट दूँ ताकि वो उसके बाद कभी भी मेरे साथ इंटीमेटी ना हो पाए और कभी भी हम लोग की ओर चाल नहीं आएगा। तब जंगकुक नर्वस फील करते हुए तुरंत अपनी प्राइवेट पार्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैप कर लेता है। तब तेहोंग जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं, यहाँ पर लोग हैं यू डम। तब जंगकुक तुरंत अपने हाथ को हटा लेता है। तब तेहोंग गुस्से से कहते हैं, सिर्फ घर में तो चलो, उसके बाद मैं तुम्हें शो करती हूँ कि मैं कौन हूँ। तब जंगकुक तुरंत तेहोंग के पास रिक्वेस्ट करने लगता है और वो तेहोंग के हाथ को पकड़ते हुए तेहोंग कहते हैं, प्लीज़ ऐसा मुझे डराना बंद करो, तुम कैसे ये सारी बातें कह सकते हो, हम दोनों मैरिड हैं, ये सब कुछ नॉर्मल है और जेलस फील करना ये तो अच्छी बात है। तब तेहोंग गुस्से से अपने हाथ को जंगकुक के हाथ से छुटा लेता है और कहते, तुम जैसे कौन जेलस पर्सन होता है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से हिल दिखाऊंगी, सिर्फ वेट करो, मैं इसकी बदला तो ज़रूर लूँगी। तब जंगकुक फिर से कहते, प्लीज़ इस तरह से मुझे मत डराओ। तब
तोंग कहता है, मैं डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ वेट करो, तुम्हें सोले सोले सब कुछ ही पता लग जाएगा। तब जंगुक क्या इस रेड हो जाता है। उसे नहीं पता कि तंग उसके साथ क्या करने वाला है, पर जंगुक चुपचाप तोंग के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और वो लोग कार में बैठ जाता है और जंगुक जो कार को ड्राइव करने लगता है। और वो लोग जब जा रहा था तब तंग भी जो गुस्से से सिर्फ कार की विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। फिर वो लोग जब आधे घंटे बाद घर में पहुंच जाता है तब मिसेस जोन तंग के पास आकर कहते, तंग कैसा है सब कुछ। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता, आपकी सन बहुत ज़्यादा बैड है, मैं उसे सिर्फ अभी मारना चाहती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस जोन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहते, वो तुम्हारी हस्बैंड है। तब तंग की आईज ऑलमोस्ट रेड हो गया था और वो मिसेस जोन को हक करना चाहता था, पर उसकी गोद में ऑलरेडी उसकी एक डॉटर था। पर फिर भी तंग उसे सॉफ्टली हक कर लेता है और हक करते हुए रोते हुए कहता है, फिर से ट्विंस बेबी होने वाला है और ट्विंस बेबी को कौन संभालेगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है चलने में भी। और यहाँ पर जंगुक फिर से ऐसा क्या है, मैं इस जेलस बनी का क्या करूँ, आपकी सन इतनी ज़्यादा जेलस क्यों है, मैं सच में उसे नहीं छोड़ूंगी। तब मिसेस जोन एक हाथ से तंग की बैग को रफ करता है और जंगुक की तरफ देखता है। तब जंगुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब मिसेस जोन सच में गुस्से में कहता है, जंगुक तुम सच में सही नहीं किया हो, तो कम से कम 5 ईयर तक वेट करना चाहिए था। तब तुरंत जंगुक कहता, मैं करना चाहता था पर मुझे खुद नहीं पता है ये कब हो गया है। तब मिसेस जोन कहते, तुम सच में एक जेलस बनी हो, जो भी हो तुम आगे से ऐसा कुछ भी गलती नहीं करोगे, अगर तुम फिर से किए तो फिर हम लोग तंग को हमारे साथ लेकर जाएंगे। तब जंगुक कहते, और कभी भी ऐसा नहीं होगा, प्लीज समझने की ट्राई कीजिए। तब मिसेस जोन सिर्फ हूँ कह देता है। फिर जंगुक को तंग इसके उठाते हुए कहते हैं, अब से तुम मेरी पर्सनल सर्वेंट बनोगे और तुम्हें मेरी हर एक सेवा करना होगा। तब जंगुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसे फर्स्ट टाइम के बारे में याद आ जाता है और वो शॉक होकर कहते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तब तंग कहते, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने क्यों ऐसा किया हो, अब तुम्हें सब कुछ संभालना होगा, अब जल्दी से जाओ और जाकर मेरे लिए बहुत सारे बनाना मिल्क शेक और उसके साथ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक उसकी मिक्स करके लेकर आओगे। तब जंगुक शॉक होकर कहते हैं, क्या अभी से। तब तंग कहते, तुम्हारी गलती है, जल्दी से जाओ और इस 7 मंथ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं जाने वाला है भाई, अब जल्दी से जाओ माई डियर सेलस बनी। तब जंगुक बहुत ज़्यादा डरने लगता है और वो चुपचाप चला जाता है क्योंकि तंग की डिमांड था। तब मिस्टर जोन हंसते हुए कहते हैं, तुम उसे एक अच्छा सबक सिखा रहे हो। तब मिस्टर जोन कहते, इतनी भी ज़्यादा मेरे सन को सबक मत सिखाओ। तब तंग कहते, पर उसे ज़रूरत है, उस समय बहुत ज़्यादा अपने लिमिट को क्रॉस करने लगा है, उसे थोड़ा सा तो पनिश पाना चाहिए। तब मिस्टर जोन ने सुनकर हंसने लगता है और रात के 8 बजे तक वो दोनों वहाँ पर रुक जाता है। फिर रात के 8 बजे मिस्टर जोन और मिसेस जोन चला जाता है और तंग अपनी दोनों डॉटर को चुपचाप बेड पर लेटाने के बाद वो जो खुद भी सोने के लिए चला जाता है। तब जंगुक तंग को हक करने की ट्राई करता है, तब तंग जंगुक के हाथ को हटा देता है और कहता है, मुझे टेस्ट मत करो। तब जंगुक सॉफ्टली कहते हैं, देखो मैं तुम्हारी डैड के साथ बातें किया हो और तुम्हारी डैड बोला है कि मैं घर से वर्क कर सकती हूँ, मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ कभी कभार मुझे मीटिंग्स अटेंड करने के लिए जाना होगा बाहर जब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कुछ भी नहीं, तो फिर अब तुम्हें हैप्पी फील करना चाहिए, प्लीज़ अब मेरे साथ इस तरह से ट्रीट करना बंद करो, देखो मैं खुद भी तुम्हारे लिए सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी इससे नाराज़गी नहीं है कि तुम 7 मंथ तक मुझे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हो, तुम्हारी हर एक डिमांड को पूरा करने की वजह से मैं श्योर हूँ कि मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊँगी, मुझे पता है, पर फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अपनी गुस्सा नहीं दिखाऊँगी, मैं तुम्हारी हर एक ऑर्डर को सीरियसली लेकर मैं उसे पूरा करूँगी, प्लीज़ अब मेरे ऊपर तुम इस तरह से नाराज मत हो। तब तंग जंगुक को हक कर लेता है। तब जंगुक जो स्माइल करता है और तंग के सिर पर अपने सिर रख देता है। तब तंग जंगुक के बालों में अपने हाथ को ले जाता है और उसकी बालों को रफ करते हुए कहते हैं, तुम शांत हो, इस वजह से हम लोग को कितनी ज़्यादा तकलीफ होगा, पोर बेबी, कभी सोच कर भी देखे हो, हमारी शादी की अभी भी 2 ईयर तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और 4 बेबी होने वाला है जिसमें। तब जंगुक हंसते हुए तुरंत कहते, तब तक हमारी 3 ईयर हो जाएगा शादी की और तब हमारी 4 बेबी होगा। तब
तंग यह सुनकर गुस्से से कहा था, तुम कभी भी नहीं बदलोगे। तब जंगुक तुरंत कहा था, यहाँ पर बदलने की क्या बात है। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ता है, फिर जंगुक तंग की तमी पर अपने हाथ लेकर जाता है और कहता है, फिक्र मत करो, अब से मैं उन लोगों को हर तरह से संभालने की ट्राई करूँगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं करूँगी। और मैं जैसा कहा था, मैं वर्क तब तक घर से करूँगी जब तक मेरी इतने ज़्यादा सारे लिटिल मॉन्स्टर बिग नहीं हो जाता है, अब हैप्पी हो। तब तंग सिर्फ हूँ कह देता है और उसके बाद जंगुक जो तंग को हक करके कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, सच में मैं इस पर्सन को लेकर क्या करूँ, मैं उसके ऊपर कितने ज़्यादा मेरी नाराज़गी निकालती हूँ, पर फिर भी वो हमेशा इससे बहुत ही ज़्यादा स्वीट तरीके से लेता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि कोई लाइफ में इतनी भी ज़्यादा अच्छा पर्सन मेरी लाइफ में आएगा। सच में वो सबसे ज़्यादा अच्छा पर्सन है जिसे मैं मेरी लाइफ में पाई हूँ। हम लोग के बीच में कितनी भी ज़्यादा फाइट क्यों ना हो जाए, पर फिर भी नाइट में सब कुछ ठीक ही हो जाता है और नाइट में हम लोग ऐसे ही सोते हैं। मैं कैसे इस पर्सन को अपने पास से दूर रखने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। और तंग इसके साथ जंगुक के सिर पर एक किस करता है और खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तंग जब नींद से उठता है तब वो फील करता है जंगुक उसकी होल फेस पर बहुत सारे किस कर रहा था। तब तंग छोले छोले अपना आइस को ओपन करता है और वो उस पर करके कहते हैं, गुड मॉर्निंग हबी। तब जंगुक खुद भी तंग को हंसते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेबी बॉय, तुम कैसे हो, ठीक फील कर रहे हो, तुम्हें क्या वॉमिटिंग फील हो रहा है, चलो तुम्हें मैं बाथरूम में लेकर जाती हूँ। तब तंग तुरंत मना करते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तब जंगुक तंग की सोले सोले निषद की तरफ जाने लगता है और वो तंग की टमी पर आकर उसकी शर्ट को ऊपर की तरफ उठा लेता है और उसकी टमी पर किस करते हुए कहते हैं, मॉम डैड तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, आई नो कि ये सब कुछ सिर्फ डैड की जेलस की वजह से है, पर डैड सच कह रहा है कि डैड बहुत ज़्यादा तुम दोनों से प्यार करता है और तुम दोनों के आने की वेट कर रहा है। मॉम डैड सिर्फ अपनी ख्याल रखना और अपनी मॉम को अगर हर्ट करने के बारे में सोचे तो फिर तुम लोग जब इस वॉल में आओगे तब मैं तुम दोनों के साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करूँगी। और जंगू के कहने के बाद पाउट करता है और तंग की टमी पर फिर से किस करता है और सॉफ्टली बाइट करता है। तब तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो हंसने लगता है। फिर जंगुक तंग को बेड स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है। तब तंग शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरे पास खुद की लेग्स हैं, मैं चलकर जा सकती हूँ। तब जंगुक कहता है, नो अभी नहीं, अब तुम्हें बिल्कुल भी ज़्यादा चलना नहीं चाहिए और तुम बिना किसी की मदद के अलावा कभी भी नहीं चलोगे। और उसके साथ जंगुक तंग को तुरंत बाथरूम में ले जाने के बाद उसे फ्रेश होने में हेल्प करता है और खुद भी जो फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों ही क्लोथ पहनता है और उन लोग के रूम में जो उन लोग के डॉटर की बेबी कॉटेज था वहाँ पर जाता है और जाकर देखता है उन लोग के डॉटर पीसफुली सो रहा था। तब तंग एक को उठाने वाला था पर जंगुक तंग को मना करते हुए कहता है, तुम्हें अब कोई भी चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन दोनों को संभाल सकती हूँ, तुम जाओ और नीचे जाकर अपनी ब्रेकफास्ट करो, मैं उन दोनों को क्लीन करने के बाद मैम उन दोनों को लेकर नीचे आ जाऊँगी। तब तंग कहते, तुम्हारे पास फोर हैंड है। तब जंगुक कहते हैं, नो पर मेरी आर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और मैं मेरी स्ट्रांग हैंड से मेरी दोनों डॉटर को मेरी दोनों गोद में ले सकती हूँ, अब तुम जाओ। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और वो अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं, तुम सच में ज़्यादा ही आजकल पावर दिखा रहे हो, शायद तुम्हें ज़्यादा ही पावर आ गया है, पर तुम्हारी मर्जी। और ये कहने के बाद तंग चला जाता है। तब जंगुक सिर्फ हंसने लगता है और कहते हैं, मैं इस बॉय को लेकर क्या करूं। और उसके बाद जंगुक एक एक करके अपने दोनों डॉटर को क्लीन कर देता है और दोनों को अपने दोनों आर्म्स में लेकर नीचे आ जाता है। फिर जंगुक सर्वेंट को मिल्क रेडी करने के लिए कहता है और तंग जो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था, तब तंग जंगुक को कहता है, मेरी एक डॉटर को मेरे पास दो। तब तुरंत जंगुक आंसर करता है, मैं मना क्या था ना। तब तंग कहता है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम जो ओवर एक्टिंग कर रहे हो इसे बंद करो। और इसके साथ तंग अपने एक डॉटर को लेने की ट्राई करता है पर वो लोग जंगुक को नहीं सुनने वाला था और जंगुक की नेक के अंदर वो दोनों ही अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था और तंग के हाथ को दोनों ही छुटाने की ट्राई करता है। तब इसे देखकर जंगुक हंसते हुए कहते हैं, वो लोग भी तुम्हारे पास नहीं जाना चाहते हैं। तब जंगुक पाउट करके कहते हैं, हाँ रख लो, अपने दोनों बिग डॉटर को अपने पास ही रखो। जब
मेरी ये दोनों आ जाएगा तब मैं तुम्हें उन दोनों को नहीं दूंगी। तब शंकू कहते ओके ओके जो भी हो जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट करो ठंडा हो रहा है। तब तंग कहते तुम भी करो और एक को मेरे पास सब दो। और इसके साथ तंग एक को फोर्सफुली ले लेता है। तब उन लोग के जो फर्स्ट डॉटर था वो तंग के पास था और वो पाउट करते हुए तंग की तरफ देखने लगता है पर वो नहीं रोता है। तब उसे देखकर तंग स्माइल करता है। फिर तंग उन दोनों को जो अपने हाथों से खिलाने लगता है और जंगू जो खुद भी उन लोगों को खिलाने लगता है। फिर उसके साथ इनमें जंगू खुद भी अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म कर लेता है। और तंग और जंगू जब हॉल रूम में अपनी बेबीज के साथ बैठा हुआ था तब जंगू को अचानक से कॉल आ जाता है। तब वो कॉल को उठाकर अपने काम वॉइस में कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ है। तब जंगू के असिस्टेंट कहते हैं सर आप क्या ऑफिस में आ सकते हैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम था। तब जंगू कहते हैं मैं बिजी हूँ और शायद मिस्टर किम ने तुम्हें बोल दिया था। तब तुरंत जंगू के असिस्टेंट कहते यस सर बोल दिया था पर सच में यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्क है और आपको आना ही होगा। तब जंगू कहते हैं क्यों आना होगा मुझे इसकी रीज़न बोलो। तब तुरंत जंगू के असिस्टेंट कहते हैं वो असल में सर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है उस सबको साइन। तभी जंगू कॉल को कट कर देता है। तब उसके असिस्टेंट शॉक हो जाता है और वो सोचता है शायद गलती से हो गया है और वो फिर से जंगू को कॉल करता है। तब जंगू अपनी कॉल बॉक्स में कहते हैं क्या हुआ है। तब जंगू के असिस्टेंट कहते हैं असल में मैं बोल रहा था कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल। तब जंगू फिर से कॉल को कट कर देता है। तब उसके असिस्टेंट फिर से शॉक हो जाता है और फिर से जंगू को कॉल करता है। तब तंग जो गुस्से से सब कुछ देख रहा था वो खुद भी सलस फिल कर रहा था पर वो खुद को कंट्रोल करता है। फिर जंगू को जब उसके असिस्टेंट फिर से कॉल करता है तब जंगू गुस्से से कहता है मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनना चाहते हूँ इसी वजह से मैं कॉल को कट किया था। अब चुपचाप मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो बिकॉज मैं मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और आई डोंट लाइक तब मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे। और इसके साथ जंगू कॉल को फिर से काट देता है और उसके असिस्टेंट उसे कॉल नहीं करता है। तब जंगू टैंग की तरफ देखकर अपने बनी स्माइल के साथ कहते हैं देखो बेबी मैं कुछ भी नहीं क्या हो तुम क्या जेलस फील कर रहे हो इस तरह से अपनी एक हंगरी टाइगर की जैसा मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखो। तब ये सुनकर तुम गुस्से से कहते हैं तुम फिर से वर्क पर जाने वाले हो। तब जंगू तुरंत कहते हैं नो मैं उसे मना कर दिया हूँ मैं कैसे वर्क पर जा सकती हूँ मैं कल बोला था कि मैं अब मेरी हस्बैंड की अब पर्सनल सर्वेंट हूँ तो फिर मेरी हस्बैंड अब मुझे जो बोलेगा मैं उसे पूरा करूँगी। तब तंग अपनी कॉल फर्स में कहते हैं अब जबकि तुम सर्वेंट हो तो फिर मुझे जल्दी से लेग मसाज दो मुझे अभी से पेन हो रहा है। तब जंगू शॉक होते हुए कहते हैं बट अभी से पेन कैसे हो सकता है अभी भी तुम्हारी टमी शो होना भी स्टार्ट नहीं किया है। तब तंग कहते मुझे नहीं पता। तब जंगू की एक लंबा सांस तोड़ता है और अपने डॉटर्स की तरफ देखता है जो दोनों ही पीसफुली उन दोनों के आर्म्स में सो रहा था। तब जंगू उन दोनों को लेकर जल्दी से उन दोनों की बेडरूम में लेकर लिटा कर आता है और जंगू फिर से वापस आ जाता है। तब तंग काउच पर लेट जाता है और जंगू की तरफ देखता है। तब जंगू तंग के पास बैठकर उसके लेग्स को अपनी गोद में ले लेता है और उसके लेग्स को मसाज देने लगता है। तब तंग अपने आइस को बंद करते हुए कहते हैं तुम सच में हर एक काम बहुत ही अच्छी तरह से करते हो। तब जंगू की माइंड कहते हैं हाँ मैं सब कुछ अच्छा कर सकती हूँ इसी वजह से तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। और जंगू के कहने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है पर तंग नोटिस नहीं किया था। फिर जंगू ऐसे ही तंग को मसाज देने लगता है। तब मेन डोर ओपन हो जाता है और तब जंगू जो कंफ्यूज होकर मेन डोर की तरफ देखता है। तब वो सामने वाले पर्सन को देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। ओके एवरीवन इसके लिए बस इतना ही।